खबर ग्वालियर से है, जहां एक बिजली उपभोक्ता के यहां मीटर रीडिंग लेने गए कर्मचारी को कुछ लोगों ने पीट दिया। उपभोक्ता ने ज्यादा बिल आने के लिए रीडर को जिम्मेदार बताया। गलत और ज्यादा रीडिंग लेने का आरोप लगाते हुए उसकी पिटाई कर दी। आरोपियों ने बाल पकड़ उसे सड़क पर खींचा और चेहरे और पेट में घूंसे मारे। मौके पर मौजूद लोगों ने इस मारपीट का वीडियो बना लिया। शनिवार को सिकरवार मोहल्ले में हुई इस घटना को लेकर बिजली कर्मचारियों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने रविवार को इकट्ठा होकर संभागीय मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने और हमलावर को गिरफ्तार करने की मांग की है। शिकायत के बाद जीवाजीगंज थाने में हमलावर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि बिजली कंपनी के कर्मचारी मीटर रीडर को एक शख्स बेरहमी से पीट रहा है। पीड़ित मीटर रीडर का नाम ब्रजमोहन धाकड़ निवासी लक्ष्मीगंज है। वह शनिवार को लक्ष्मीगंज जोन स्थित जीवाजीगंज के सिकरवार मोहल्ले में मीटर रीडिंग लेने पहुंचा था। ब्रजमोहन के अनुसार जब वह रीडिंग लेकर लौट रहा था, तभी उपभोक्ता अनुराग कुशवाहा समेत तीन लोगों ने उस पर हमला कर दिया। उन्होंने उसे रोका और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। इस दौरान ब्रजमोहन का साथी खुद को बचाने के लिए भाग निकला। ब्रजमोहन ने जनकगंज पुलिस से शिकायत की है। पुलिस ने आरोपी उपभोक्ता अनुराग कुशवाहा व दो अन्य को शासकीय कार्य में बाधा डालने समेत विभिन्न धाराओं के तहत नामजद कर लिया है। घटना से आहत मीटर रीडरों ने रविवार को संभागीय मुख्यालय रोशनी घर पर धरना दिया। मध्य प्रदेश ठेका कर्मचारी संघ इंकट ने बैनर तले कर्मचारियों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री से मांग की है कि मारपीट करने वाले को गिरफ्तार कर प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। तीन दिन पहले ही सिटी सेंटर जोन में बिजली उपभोक्ता ने राजस्व वसूली करने पहुंचे जूनियर इंजीनियर पर हमला कर दिया था। इससे पहले कंपू जोन स्थित साई विहार कॉलोनी में भी बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई थी।